हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर न्यू चैनल बी स्ट्रीट बेवरेज स्ट्रीट। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस हॉलस्टैग विस्की का रिव्यू। सो बिना कोई टाइम गवाए करते हैं इस वीडियो का शुभारंभ। आप जानते हैं रॉयल स्टैग बहुत ही मशहूर ब्रांड है और इसको जाना जाता है सीगम रॉयल स्टैग के नाम से। रॉयल स्टैग का नाम सुनते ही हर एक बंदा बोलता है मेक इट लार्ज। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इस ब्रांड के और भी भाई बंधु हैं। फॉर एन एग्जांपल, जॉनी वॉकर अपनी एक सीरीज चलाता है रेड लेबल, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल। ऐसी सियाग्राम्स अपनी एक सीरीज चला रहा है जिसमें आ जाती है इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, 100 पाइपर्स। सियाग्राम रॉयल स्टैग विस्की का लॉन्च इंडिया में 1995 में हुआ था और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज नहीं करती। लेकिन नाउ सियाग्राम इज ओन्ड बाय अ फ्रेंच कंपनी पर्नॉट डिकार्ड। रॉयल स्टैग की मार्केटिंग के बारे में, 2011 में रॉयल स्टैग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था जो कि था 12.3 मिलियन केसेस का। एंड अगेन 2016 में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था जो कि था 18 मिलियन केसेस का। एंड ये एक ऐसी विस्की है जो आपको इजीली अवेलेबल रहेगी हर एक लिक्वर शॉप पे ऑल ओवर इंडिया में। साथ साथ हम आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। प्राइस लिस्ट आप मेरी स्क्रीन की साइड पे देख भी रहे होगे, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये स्टार्ट होती है 90 ml के मिनिएचर से जिसकी कॉस्टिंग है 55 rupees। उसके बाद आता है 180 ml का क्वार्टर जिसकी प्राइसिंग आती है 110। उसके बाद आता है 375 ml का हाफ जिसकी प्राइसिंग है 225। उसके बाद आती है बोतल जो होती है 750 ml की जिसकी प्राइसिंग है 450। एंड अभी मेरे पास ये अवेलेबल है 1 लीटर में जिसकी प्राइसिंग है 590 rupees। और ये सारे रेट्स दिल्ली के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस बोतल की अनबॉक्सिंग से। निकालते हैं इस प्यारी सी बोतल को बाहर। तो फ्रेंड्स, रॉयल स्टैग ये प्रीमियर विस्की है जो कि बनी है स्पेशली सिलेक्टेड इंडियन ग्रेन से और इसका अल्कोहल वॉल्यूम है 42.8%। इन सबसे पहले फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूँ, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्लीज बी सेफ एंड प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो बिना कुछ समय गवाए बनाते हैं इस रॉयल स्टैग से कुछ रॉयल पेग्स और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो मैंने अब बनाया ये छोटा सा मीट पैग, लोग कहते हैं मेक इट लार्ज, मैंने लार्ज नहीं बनाया, क्या पता उसके बाद हो जाऊं मैं चार्ज। तो स्मेल करते हैं इसे, एक बहुत ही हार्ड पंच है अल्कोहल का, थोड़ा बर्न्ट वुड है। बाकी टेस्ट करते हैं इसे, थोड़ा सा बर्न्ट है, बाकी स्मूथ है आफ्टर टेस्ट, स्मोकी टेस्ट है, मोलासेस फील कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पैक की तरफ जो कि है ऑन द रॉक्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लगा हूँ ऑन द रॉक्स पैक। ये हमने इसमें आइसक्रीम डाल दी। इसको करा थोड़ा मिक्स ग्लास में। तो फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है। आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे सोडे के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप इसे पानी के साथ लेंगे तो आपके टेस्ट थोड़ा और निखर के आएगा अल्कोहल का, आपको फील होगा अल्कोहल का टेस्ट, रिचनेस पता चलेगी इसके अंदर कितनी है। तो अब बिना कोई समय गवाए अब आते हैं हम अपने मेन पैक चाइनीज पैक पे जो कि मैं इस रॉयल स्टैग के साथ बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए पैक बनाना शुरू करते हैं। पैक बनाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल बी स्ट्रीट बेवरेज स्ट्रीट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पैक बनाना। सो फ्रेंड्स,
अब शुरू करते हैं अपना चाइनीज स्टैक बनाना। इसको बनाने के लिए हम लेंगे हाफ ग्लास ऑफ वाटर और साथ साथ एक स्पून, नॉर्मली आपको किचन में अवेलेबल होगा आपकी। तो इसको हम प्लेस करेंगे बिल्कुल एज पे, वाटर के एज पे, और बिल्कुल करेंगे धीरे धीरे पोर, बिल्कुल धीरे, जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट पोर कर सकते हैं, बिल्कुल लाइटली लाइटली पोर करेंगे कि नीचे मिक्स ना हो, ऊपर है। जैसे आप देख सकते हैं पानी नीचे है, विस्की ने ऊपर आना चालू कर दिया, और बिल्कुल लाइटली लाइटली पोर करना है इसे, बिल्कुल लाइटली लाइटली। जैसे आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके साथ साथ, जैसे आप देखेंगे मैं चम्मच को हल्का हल्का इसके बेस के साथ मैच कर रहा हूँ जहाँ एज है विस्की का। एज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड फ्रेंड्स मेरे को बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रिव्यू कौन सी बोतल के ऊपर, कौन सी विस्की के ऊपर लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चीयर्स टू लाइफ।